सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन टॉक। आज बात करेंगे महिंद्रा XUV 700 की प्राइसिंग के बारे में। MX वेरिएंट्स और एड्रोनिक्स एक्स सीरीज़ यानी कि AX सीरीज़, इन दोनों ही वेरिएंट्स के अलग अलग वर्जन्स की प्राइस क्या है वो जानते हैं। स्टार्ट करते हैं MX सीरीज़ से। MX सीरीज़ में आप लोगों को पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन मिलते हैं। अगर आप लेते हैं पेट्रोल इंजन तो वो स्टार्ट होता है 11,99,000 रुपीज़। ये दोनों ही वेरिएंट जो है वो 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को मिलेंगे। MX सीरीज़ में 7 सीटिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डीजल वाला जो है वो है 12,49,000 रुपीज़ का। सिर्फ 50,000 रुपये ज़्यादा देने पे आपको एक डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया माइलेज देगा पेट्रोल के कंपेयर में। आ जाते हैं एड्रोनिक्स सीरीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर AX3 जो कि 5 सीटर वर्जन है, यहाँ पर आप लोगों को 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिलती है। मैनुअल की अगर बात करें पेट्रोल में तो 13,99,000 रुपीज़। ऑटोमेटिक की बात करें तो 15,59,000 रुपीज़। अगर डीजल आप लेते हैं AX3 तो आपको पड़ता है 14,59,000 रुपीज़, और ऑटोमेटिक लेते हैं डीजल में तो 16,19,000 रुपीज़। वहीं AX5 की अगर बात करें जो कि अगेन 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही आप लोगों को मिलेगा, तो पेट्रोल में आप लोगों को 14,99,000 रुपीज़। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं पेट्रोल में तो 16,59,000 रुपीज़। डीजल में अगर आप लेते हैं तो 15,59,000 रुपीज़, और अगर डीजल में ऑटोमेटिक लेते हैं तो 17,19,000 रुपीज़ का ये पड़ता है। साथ ही इसमें आप लोगों को अलग अलग पैक्स भी मिलेंगे जो आप अपने अकॉर्डिंगली लगवा सकते हैं। AX7 यानी कि 7 सीटर ऑप्शन जो है आप लोगों को पेट्रोल और डीजल में मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो पेट्रोल की प्राइस है वो 17,59,000 रुपीज़ है, और पेट्रोल ऑटोमेटिक की 19,19,000 रुपीज़ है। वहीं अगर आप डीजल लेते हैं तो 18,19,000 रुपीज़ मैनुअल में, और अगर आप ऑटोमेटिक में डीजल लेते हैं तो 19,79,000 रुपीज़ रखी गई है। साथ ही आप लोगों को जो 7 सीटर का एडिशनल कॉस्ट 60,000 रुपीज़ भी जो है वो पे करना होगा। ऑप्शनल पैक में आपको लग्जरी पैक मिल जाता है AX7 में, जिसमें आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 1.8 लाख रुपीज़ यानी कि 1,80,000 रुपये। साथ ही ऑल व्हील ड्राइव अवेलेबल है आपको AX7 डीजल ऑटोमेटिक में, जो कि एडिशनल आप लोगों को 1,30,000 रुपीज़ की एडिशनल प्राइस जो है वो पे करने पे मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप ऑटोमेटिक 7 सीटर वर्जन अगर लेते हैं AX7 और उसमें लग्जरी पैक डलवाते हैं तो 1,80,000 आप लोगों को लग्जरी पैक के, और ऑल व्हील ड्राइव अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो 1,30,000 आपको उसके मिलते हैं। तो अगर आप लोग टॉप मॉडल को कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंगली करवाते हैं, यानी कि लग्जरी पैक आप लेते हैं AX7 डीजल ऑटोमेटिक में और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी लेते हैं, तो आप लोगों को ये मॉडल 22,89,000 यानी कि 22,89,000 रुपीज़ का एक शोरूम पड़ेगा, और ऑन रोड आते आते ये प्राइस 26-27 लाख रुपीज़ के आसपास चले जाएगी। अलग अलग स्टेट्स में आप लोगों को अलग अलग टैक्सेस भरने पड़ेंगे, तो कहीं प्राइस ज़्यादा होगी तो कहीं प्राइस कम है। साथ ही बुकिंग स्टार्ट हो गई है, 25,000 रुपये का अमाउंट देके आप गाड़ी को जो है वो बुक करवा सकते हैं। अब एक चार्ट आप लोगों को और दिखा देता हूँ, जिसमें आप लोगों को सीट जो है वो किस टाइप की कहाँ कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप लोगों को मिलती है वो सभी चीज़ें आप जान लीजिए। तो अगर आप लेते हैं डीजल वर्जन्स तो आप लोगों के सामने है ये चार्ट। MX आप लोगों को 5 सीटर के अंदर ही मिलेगा। AX3 अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को 5 सीटर मैनुअल में मिल जाएगा, 7 सीटर के अंदर मिल जाएगा डीजल, और ऑटोमेटिक अगर आप लेते हैं तो 5 सीटर में मिलेगा। AX5 अगर आप लेते हैं तो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाती है। AX7 7 सीटर में आपको सिर्फ ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव के साथ में ही मिलेगा, अदरवाइज 5 सीटर आप लोगों को मैनुअल वर्जन लेना पड़ेगा। AX7 लग्जरी पैक जो है वो भी आप लोगों को 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मिल जाएगा। वहीं पेट्रोल का चार्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं, 7 सीटर आपको सिर्फ AX7 और AX7 लग्जरी पैक जो है उसके साथ में मिलता है, बाकी आपको 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलता है। और AX5 जो है वो भी आप लोगों को पेट्रोल के अंदर, और AX7 जो है वो भी पेट्रोल के अंदर 7 सीटर में मिल जाता है। तो चार्ट आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। फीचर्स वाइज जो हैं वो गाड़ी के अंदर कई सारे फीचर्स हैं, एक बार लिस्ट आप लोगों के सामने और मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ये MX, AX3, AX5 और AX7 सीरीज़ की, अब आप चाहें तो इसको स्टॉप करके पढ़ लें। अगर एक एक में पढ़ूंगा तो वीडियो बिना फालतू में लंबी हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा बहुत सारे लोगों का। अब इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या कुछ चीज़ें अलग अलग मिलती है तो वो भी एक बार आपको जो है वो रीड करके बता देता हूँ। ऑप्शनल लग्जरी पैक विल इंक्लूड फीचर लाइक इमर्सिव 3D साउंड सिस्टम बाय सोनी, इलेक्ट्रॉनिकली डिप्लॉयड स्मार्ट डोर हैंडल्स, 360 सराउंड व्यू, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड वायरलेस चार्जिंग। ये सारे फीचर आप लोगों को लग्जरी पैक के अंदर मिलेंगे AX7 में। तो ये सभी चीज़ें हैं, अब आप लोगों को पता करना है कि आपके लिए
तो अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा वेरिएंट किस प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट या वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, और इसके अलावा कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाएं, डेली आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो हैं वो इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे। साथ ही वेबसाइट अगर आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं करी है तो indiandoc.com जो कि इंडिया की पहली फर्स्ट इंग्लिश के अंदर वेबसाइट है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।